आज का टॉपिक यूनिट है हमारे रिओप्टिक्स। रिओप्टिक्स का फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ लाइट। एक लाइट बीम का रिफ्लेक्ट हो जाना क्या बोला जाता है हमारा रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन से हमने दोनों पढ़े थे फर्स्ट में। फर्स्ट लॉ क्या होता है हमारा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइट्स इन सेम प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंट। तीनों हमारे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाइट्स कराते हैं उस प्लेन को क्या बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन उस प्लेन को बोला जाता है प्लेन ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। दोनों की क्या होती है हमारी नॉर्मल के अपोजिट साइड होती है। ये है आपका फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
जो आपका इंसिडेंस एंगल होता है यानी जिस एंगल से आपकी रे आती है उसको क्या बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। एंगल फॉर्म बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड जो होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो या तो आपका रिफ्लेक्शन और ये होता है आपके रिफ्लेक्शन की दो लो। अब रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, रिफ्लेक्शन आज जनरली टू टाइप्स का होता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और उसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखते हैं रिफ्लेक्शन के टाइप। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा आता हमारा डिफ्यूज और इररेगुलर रिफ्लेक्शन।
back end. If we use in regular midlash, diffraction at rough surface जो आपका रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पर होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजर रेगुलर रिफ्लेक्शन. इन दिस केस रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल ड्यू टू nature of surface. Diagram लिखते हैं. Incident rays, these rays are called reflected rays. In a rough surface, तो ये होता है आपका diffusion regular reflection. जब आपका reflection rough surface पर होता है ऐसा इस तरह से होता है कि जब हमारा rough surface आता है तो rough surface पर जिन पॉइंटों पर हमारी रे आती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो हमारे रफ सरफेस के लिए नॉर्मल अलग अलग आते हैं. जैसे ही नॉर्मल आपके अलग अलग आएंगे तो आपके इंसिडेंट एंगल क्या हो जाते हैं हर एक रे के लिए अलग हो जाता है. उसी वजह से हमारा इनको रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाते हैं सबसे अलग हो जाते हैं. तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे पैटर्न नहीं रह पाती और इसी को क्या बोलते हैं रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो ये था आपका रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन के किस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं वो देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो ये आपके रिफ्लेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से रिफ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं देखते हैं. ए बीम अप्लाइड इज स्ट्राइक ए हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर एट एंगल 45. सो बाय द डायग्राम हाउ वी कैन अरेंज द सेकंड मिरर टू नोट दैट रिफ्लेक्टेड रे मीन फाइनली बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सेकंड मिरर हॉरिजॉन्टल. तो मतलब एक आपका कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन भी रखा हुआ है उस पर रे इंसिडेंट होते 45 तक. तो सेकंड मिरर को किस तरीके से अरेंज कराना है कि जब फिर फाइनल इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे है वो मिरर के हॉरिजॉन्टल हो जाए यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल मिरर है उसकी क्या हो जाती है हॉरिजॉन्टल. मतलब उसको भी आपका प्लेन भी रखा एम यहाँ पर हमने थीटा से दूसरे मिरर को क्या करा दिया अरेंज करा दिया एट एंगल थीटा मिरर है. क्वेश्चन में बोला है इस बी इंसिडेंट एट 45 एंगल इंसिडेंट रे एट 45 एंगल मिरर विद हॉरिजॉन्टल
मिरर, तो प्लेन मिरर पर 45 एंगल पर क्या होती है आपकी इंसिडेंट होती है। अब सेकेंड मिरर से क्या होनी चाहिए हमारी जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो मिरर के ओरिजिनेटर हो जाती है। सीधी बात है, यहाँ से जब आपका रिफ्लेक्शन होगा तो वो भी कितने एंगल पर होगा, 45। बिकॉज हमने सेकेंड को बढ़ाते हैं लाइक इक्वल टू एंगल, आप इस पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस रेज फाइनली रिफ्लेक्टेड रे, फाइनली रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल विद मिरर, मिरर के साथ क्या हो जाती है आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाती है। हमें एंगल थीटा निकालना है, तो दिस 45 दिस 45 तक एंगल 45। अब आपको बोला है इनकी वाली रे, सपोज इस रे को हम मान लेते हैं पी क्यू, तो बाई की बात पी क्यू पैरेलल एम आर, पी क्यू आपके एम आर के पैरेलल है, देयरफॉर एंगल दिस एंगल, इस एंगल इसको मान लेते हैं ए बी, इंसिडेंट रे आपकी ए बी, देयरफॉर एंगल एंगल क्यू पी बी इक्वल टू एंगल पी बी ओ आपने माना अल्फा, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये भी क्या होगी आपकी अल्फा, तो क्यों को लिख सकते हो आप अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 45, टू अल्फा इक्वल टू 45, अल्फा इक्वल टू 22.5, ये आपका अल्फा है 22.45, देयरफॉर एंगल दिस एंगल ओपीबी एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 माइनस 22.5। नाउ इंट्रेंगल पी ओ बी दिस एंगल, ये आपका एंगल ओ पी बी प्लस थीटा प्लस एंगल पी बी ओ इक्वल टू 180। ओ बी भी आपका आया है 90 माइनस 22.5, ठीक है, हमको फाइंड करना है पी बी ओ आया आपका 45, तो थीटा 45 में 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 2.5 और 90 हजार सब्ट्रैक्ट होगा आपका थीटा इक्वल टू 90 माइनस 22.5 रिजल्ट इक्वल टू 67.5। तो आपको थीटा के अंदर 67.5, इसका मतलब आपको सेकंड मिरर को अरेंज कराना है फर्स्ट मिरर के रेस्पेक्ट में, वो आपको 67.5 एंगल पर अरेंज कराना है, जिससे आपकी जो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे होगी वो आपकी क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था।